हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। सीक्रेट सक्सेस में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में कक्षा 10 के विज्ञान चैप्टर नंबर 3 के अभ्यास के प्रश्नों को देखने वाले हैं। दोस्तों, इससे पहले यानी कि अभ्यास से पहले जितना भी प्रश्न था, उन सभी प्रश्न का वीडियो हम बना चुके हैं। अगर आप अभी तक उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर उस वीडियो को जरूर देख लें और अपने तैयारी को मजबूत बनाएं। अगर आप 2025 में बोर्ड का एग्जाम देने वाले हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। आप वीडियो को बिना स्किप के पूरा जरूर देखिएगा, क्योंकि एग्जाम में यहीं से प्रश्न उठकर आने वाला है। तो चलिए वीडियो को बिना किसी देर के स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, स्टार्ट करने से पहले अगर आप इस पीडीएफ का डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से इस पीडीएफ का भी डाउनलोड कर सकते हैं। अभ्यास का पहला प्रश्न है, निम्न में से कौन युगल विस्थापन अभिक्रिया प्रदर्शित करता है? ऑप्शन है सोडियम क्लोराइड विलयन एवं कॉपर धातु, मैग्नीशियम क्लोराइड का विलयन एवं एल्युमिनियम धातु, और फेरस सल्फेट का विलयन और सिल्वर धातु, और लास्ट है AgNO3 यानी कि सिल्वर नाइट्रेट का विलयन और कॉपर धातु। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। दोस्तों, AgNO3 जो है यानी कि Ag जो है वो कॉपर से क्या है, कॉपर से कम अभिक्रियाशील धातु है, इसीलिए इसमें क्या होगा, युगल विस्थापन अभिक्रिया होगा। आई होप कि ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2। लोहे के फ्राइंग पैन को जंग से बचाने के लिए निम्न में से कौन सी विधि अधिक उपयुक्त है? तो इसका ऑप्शन है ग्रीज लगाकर, यानी कि हम लोग ग्रीस बोलते हैं उसको, पेंट लगाकर, या जिंक की परत चढ़ाकर, या उपरोक्त में से सभी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, जंग की परत चढ़ाकर फ्राइंग पैन को जंग से बचा सकते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर थ्री है कि कोई धातु ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर उच्च गलनांक वाला यौगिक निर्मित करता है, यदि यौगिक जल में विलेय है तो यह तत्व क्या हो सकता है? तो ऑप्शन है कैल्शियम, कार्बन, लोहा और सिलिकन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कैल्शियम। ओके, चलिए ध्यान में रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4। खाद्य पदार्थों के डिब्बों पर जिंक की बजाय टीन का लेप होता है क्योंकि टीन की अपेक्षा जिंक महंगा होता है, टीन की अपेक्षा जिंक का गलनांक अधिक होता है। अगला ऑप्शन सी है कि टीन की अपेक्षा जिंक अधिक अभिक्रियाशील होता है, टीन की अपेक्षा जिंक कम अभिक्रियाशील होता है। तो इसका सही उत्तर होगा कि टीन की अपेक्षा जिंक अधिक अभिक्रियाशील होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। आपको एक हथौड़ा, बैटरी, बल्ब और तार एवं स्विच दिया गया है, तो क्वेश्चन है कि इनका उपयोग कर धातुओं एवं अधातुओं के नमूनों के बीच आप विभेद कैसे कर सकते हैं? तो इसका आंसर होगा, हथौड़े से पीटने के बाद धातु पतली चादर के रूप में बदल जाती है, जबकि जितने भी अधातु होता है वो सभी पीटने पर क्या हो जाता है, चूर चूर होकर टूट जाती है। इसका क्वेश्चन नंबर बी है कि धातुओं एवं अधातुओं को विभेदन के लिए इन परीक्षणों की उपयोगिताओं का आकलन करना है। तो यहाँ पे कुछ चित्र दिया गया है, उस चित्र के आधार पर एक बैटरी लिए हैं, एक बैटरी यहाँ लिया गया है और एक बल्ब लिया गया है और एक यहाँ स्विच है और ये तार है। तो बैटरी क्या हो जाएगा दोस्तों, बैटरी जो होगा अधातु होगा, इसमें लगा तार जो होगा वो धातु होगा, बल्ब अधातु होगा और स्विच भी अधातु होगा। तो इस प्रकार से हम इसका आकलन कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, उभयधर्मी ऑक्साइड क्या होते हैं? दो उभयधर्मी ऑक्साइड का उदाहरण दीजिए। तो इसका उत्तर है कि ऐसे धातु ऑक्साइड जो अम्ल एवं क्षारक दोनों से अभिक्रिया करके लवण बनाता है तो उभयधर्मी ऑक्साइड कहलाता है। उदाहरण इसका है एल्युमिनियम ऑक्साइड एवं जिंक ऑक्साइड, ये उभयधर्मी ऑक्साइड का उदाहरण है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। दो धातुओं के नाम बताइए जो तनु अम्ल से हाइड्रोजन को विस्थापित कर देंगे तथा दो धातुएं जो ऐसा नहीं कर सकती है। तो इसका उत्तर है कि मैग्नीशियम और कैल्शियम तनु अम्ल के साथ हाइड्रोजन को विस्थापित कर देंगी, जबकि कॉपर और सिल्वर ऐसा नहीं कर सकती है क्योंकि हाइड्रोजन से कम अभिक्रियाशील है। यानी कॉपर और सिल्वर जो है हाइड्रोजन से कम अभिक्रियाशील है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। किसी धातु एम के विद्युत अपघटनी परिष्करण में आप एनोड, कैथोड एवं विद्युत अपघट्य किसे बनाएंगे? तो अशुद्ध धातु जो रहेगा वो एम का एनोड रहेगा, शुद्ध धातु एम का कैथोड रहेगा और एम धातु का अम्लीय विलयन जो होगा, अम्लीय या लवण विलयन जो रहेगा वो विद्युत अपघट्य के लिए उसका उपयोग करेंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। प्रत्यूष ने सल्फर चूर्ण को स्पैचुला में लेकर उसे गर्म किया। चित्र के अनुसार एक परख नली को उल्टा करके उसने उत्सर्जित गैस को एकत्र किया। यानी कि यहाँ पे एक स्पैचुला लिया है, इसमें सल्फर का पाउडर लिया है, नीचे से बर्नर के माध्यम से इसे गर्म किया और गर्म गैस जो है वो इस परख नली में जमा हो रहा है। तो इसमें क्वेश्चन लिखा है नीचे, क्वेश्चन ए है कि गैस की क्रिया क्या होगी, गैस की क्रिया क्या होगी। ठीक है, तो नंबर 1 में सूखे लिटमस पत्र पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो सूखे लिटमस पत्र पर क्या होगा, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अगर यही चीज अगर आर्द्र लिटमस पत्र है तो इस पर क्या होगा, आर्द्र लिटमस पत्र पर प्रभाव पड़ता है। यानी नीले रंग को क्या करेगा, आर्द्र विलयन पत्र का रंग बदलकर कैसा कर देगा, लाल कर देगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20 इसी का। ऊपर की अभिक्रियाओं के लिए संतुलित रासायनिक अभिक्रिया लिखिए। तो सल्फर प्लस ऑक्सीजन ये दोनों अभिक्रिया करेगा तो क्या बनेगा, सल्फर डाइऑक्साइड बनेगा। और सल्फर डाइऑक्साइड जब जल से अभिक्रिया करेगा तो क्या बनाएगा, सल्फ्यूरिक अम्ल यानी कि हाइड्रोजन सल्फेट बनाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। लोहे को जंग से बचाने के लिए दो तरीके बताइए। तो उत्तर है नंबर 1 या सतलेपन और नंबर 2 है लोहे के सतह पर पेंट करके जंग लगने से बचाया जा सकता है। या सतलेपन में क्या होता है कि लोहे एवं इस्पात के सतह पर जिंक की पतली परत चढ़ाई जाती है जिसे यसदलेपन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 11। ऑक्सीजन के साथ संयुक्त होकर अधातुएं कैसा ऑक्साइड बनाती है? तो इसका उत्तर है ऑक्सीजन के साथ संयुक्त होकर अधातुएं अम्लीय ऑक्साइड बनाती है, जैसे सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। ओके, कुछ अधातुएं उदासीन ऑक्साइड भी बनाती है जैसे कि जल और कार्बन मोनोऑक्साइड। आपको ध्यान में रखना है कि जब भी ऑक्सीजन के साथ अधातु संयुक्त होता है तो अधिकतर अम्लीय ऑक्साइड बनाती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 12 है, कारण बताना है। ओके, नंबर 1 लिखा है कि प्लेटिनम सोना एवं चांदी का उपयोग आभूषण बनाने के लिए किया जाता है। तो इसका कारण है कि सोना एवं चांदी जो होता है वो कम अभिक्रियाशील होता है और ये कभी संक्षारित नहीं होता है, इसीलिए इनका उपयोग आभूषण बनाने में किया जाता है। अगला क्वेश्चन है इसी का बी। सोडियम, पोटेशियम एवं लिथियम को तेल के अंदर संग्रहित किया जाता है। इसका कारण है कि ये धातुएं अधिक अभिक्रियाशील होता है और इन्हें वायु के संपर्क में आने से, यानी कि आने से क्या होगा, ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर आग पकड़ लेती है, अतः इन्हें किरोसिन के तेल में डुबाकर रखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी का क्वेश्चन नंबर सी। एल्युमिनियम अत्यंत अभिक्रियाशील धातु है, फिर भी इसका उपयोग खाना बनाने वाले बर्तनों के लिए किया जाता है। तो इसका कारण है क्योंकि बर्तनों के ऊपर एल्युमिनियम ऑक्साइड यानी कि Al2O3 का परत बन जाती है जो संक्षारित होने से बचाता है
और साथ ही साथ क्या होता है, पदार्थ कभी खराब नहीं होता है, यानी भोजन का जो भी मटेरियल होता है वह खराब नहीं होता है, इसीलिए बर्तन के ऊपर एल्युमिनियम ऑक्साइड का परत चढ़ाया जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर इसी का डी कि निष्कर्षण प्रक्रम में कार्बोनेट एवं सल्फाइड अयस्क को ऑक्साइड में परिवर्तित किया जाता है, तो इसका क्या कारण है? तो इसका कारण है कि धातु को उसके ऑक्साइड और कार्बोनेट के तुलना में उसके ऑक्साइड से प्राप्त करना काफी आसान होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। आपने तांबे के मलिन बर्तनों को नींबू या इमली के रस से साफ करते अवश्य देखा होगा, यह खट्टे पदार्थ बर्तन को साफ करने में क्यों प्रभावी होता है? तो इसका सही उत्तर है कि तांबे के बर्तनों के सतह पर आर्द्र मतलब नमी वाले वायु से और कार्बन डाइऑक्साइड से हरा रंग का कॉपर कार्बोनेट का परत जमा हो जाता है जो क्षारकीय प्रकृति का होता है। जब इसे इमली के रस या नींबू के रस से साफ किया जाता है तो क्षारकीय सतह जो होता है वो उदासीन हो जाता है और बर्तन कैसा हो जाता है, बर्तन साफ हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। रासायनिक गुणधर्म के आधार पर धातुओं एवं अधातुओं में विभेद कीजिए, यानी कि अंतर बताना है। तो इस साइड में लिए हैं धातु और इस साइड में लिए हैं अधातु, चलिए देखते हैं एक एक करके। तो धातु में क्या होता है, धातु जो होता है वो क्षारकीय प्रकृति का होता है जबकि अधातु अम्लीय या उदासीन ऑक्साइड बनाती है। ठीक है, धातु जो होता है अम्ल से अभिक्रिया कर हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है लेकिन अधातु जो होता है अम्ल से अभिक्रिया नहीं करता है। धातु अपचायक होता है और अधातु क्या होता है, उपचायक होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 15, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा लंबा है लेकिन इंपॉर्टेंट है। एक व्यक्ति प्रत्येक घर में सुनार बनकर जाता है, उसने पुराने एवं मलिन सोने के आभूषण में पहले जैसे चमक पैदा करने का ढोंग रचाता है। ठीक है, कोई संदेह किए बिना ही एक महिला अपने सोने की कंगन उसे देती है जिसे वह एक विशेष विलयन में डाल देता है और कंगन नए की तरह चमकने लगता है, लेकिन क्या होता है, लेकिन उनका वजन बहुत कम हो जाता है, वह महिला बहुत दुखी होती है तथा तर्क वितर्क के पश्चात उस व्यक्ति का झुकना पड़ता है एक जासूस की तरह। क्या आप उस विलयन की प्रकृति के बारे में बता सकते हैं कि सोना का जो आभूषण है उसका वजन कैसे कम हुआ? इसका उत्तर है कि उस सुनार के पास एक्वारेजिया का विलयन होता है जो कि 3:1 में सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और सांद्र नाइट्रिक अम्ल का ताजा मिश्रण होता है। इसमें सोने को गलाने की क्षमता होती है जिसके कारण कंगन चमकने लगता है लेकिन आभूषण का वजन क्या होता है, कम हो जाता है। ओके, आपको समझ में आ गया होगा, यानी एक्वारेजिया का विलयन के कारण ही वह सुनार जो है वो सोने को चुराने का काम करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। गर्म जल का टैंक बनाने में तांबे का उपयोग होता है परंतु इस्पात का नहीं होता है, कारण बताना है। तो तांबे जो होता है वो जल के साथ अभिक्रिया नहीं करती है जबकि इस्पात जो होता है जल के साथ अभिक्रिया करती है जिससे इसके सतह पर जंग लग जाती है। इसके कारण टैंक को बनाने के लिए तांबे का उपयोग किया जाता है। आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि मुझे मोटिवेशन मिल सके।